अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ आपसे, चीकू चैनल अच्छा है, सब्सक्राइब करो यार, फटाफट करो। अरे चीकू, ये बाबर और रिजवान और ये शाहीन अफरीदी यार वैसे वैसे लगे कहाँ से आ रहे? पूछो ये क्या काम कर रहे हैं उल्टा सुल्टा। हाँ हाँ रोहित भाई, मैं पूछता हूँ ये क्या उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। अरे बाबर भाई, क्या कर रहे हो तुम? वैसे लेके आ रहे हो, पीछे रिजवान भी है, शाहीन भी है, चोरी वोरी करके नहीं ला रहे थे वैसा? अरे यार रोहित भाई और चीकू, तुम जब देखो जब हमारे पीछे पड़े रहते हो, साला मैदान में पीछे पड़े रहते हो, इधर उधर कहीं जाए तो पीछे पड़े रहते हो, चोरी वोरी करके नहीं ला रहे? भैंसा खरीद के ले जा रहे हैं हम, पाकिस्तान जा रहे हैं। हमको मालूम है हमारी हालत खराब होने वाली है, तुमने हराया जब से, वहाँ डेयरी का धंधा खोलेंगे हम तो बढ़िया, एक नंबर दो नंबर, जैसे ICC में है ना ऐसे, वहाँ एक नंबर दो नंबर पूरा पाकिस्तान में हमारा डेयरी का दूध बिकेगा। अच्छा ये बात है। अरे अरे अरे, पर रिजवान यार ये बताओ, तुम दूध का धंधा चालू कर दोगे तो तुम्हारी रैंकिंग का क्या होगा? अरे अरे अरे, बहुत गड़बड़ का काम हो गया। पर एक बात ध्यान रखना रिजवान, तुम लोग है ना क्रिकेट खेलते रहना, क्रिकेट छोड़ना मत, और भैंस का दूध पीते रहना रिजवान। तुम खास कर क्रिकेट खेलते रहोगे ना तो सिक्स लगाने की ताकत आएगी, ये देखिए साइड खेलते रहोगे। अरे क्या रोहित भाई, आप जब देखो जब बिल्कुल मजाक उड़ाते रहते हो हमारा। अरे हम तो क्रिकेट भी खेलेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी क्रिकेट, वो तो हमने क्या साइड का धंधा अपना लिया। भैंसें अच्छी हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो गधे होते हैं बिल्कुल मोटे, यहाँ की भैंसें बहुत मोटी हैं, इस वजह से भैंसे ले जा रहे हैं। बढ़िया एक नंबर का डेयरी फार्म खोलेंगे हम तीनों मिलके। अरे शहनशाह अफरीदी, तुम ये बताओ यार कि तुम तो अनफिट हो, और तुम क्या कर रहे हो यार, भैंसे वैसे कहाँ धका रहे हो? तुम क्या करोगे, क्या रिटायरमेंट लेने वाले हो क्या? अरे देखो कोहली चाचा, आप मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आपने पाकिस्तान के खिलाफ मेरे मेरे आखिरी ओवर में 12 बजा दी थी मेरी, जब से मेरा दिमाग खराब चल रहा है, यूं भी अनफिट हूं मैं। बाबर आजम और रिजवान के कहने में मैं टीम में शामिल हो गया हूं, और मैंने मेरा दर्द और बढ़ा लिया है। सही बात तो यह है कि मैं फिट हुई नहीं, इनके साथ धंधा करना चाह रहा हूं मैं। अरे हाँ रोहित भाई, एक बात बताओ, मैं ये अभी हमने तीन भैंसे ली हैं है ना, हम तो कुछ भी कर लेंगे, पर तुम तुम्हारा सोचो, बांग्लादेश से अगला मैच होने वाला है, हार मत जाना कहीं, अगर तुम कहीं हार गए ना तो हमारा नंबर लग जाएगा सेमीफाइनल में, ये तय है बिल्कुल। थोड़ा देख लो, तैयारी कर लो, बांग्लादेश तैयार बैठी है, और हमारे देश के सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि तुम हार जाओ कल का मैच बांग्लादेश से। अरे मोबाइल से मत पाल भाई बाबर, तेरे को हमने हरा दिया है और बांग्लादेश की टीम हमको हरा देगी? अरे कहाँ दिन में सपने देखते हो, तुम तो बिल्कुल देश जाने की तैयारी करो, और भैंसे वैसों का तबेला बनवाओ वहाँ पे, ठीक है? और ध्यान रखना, गोबर वोबर उठवाने के लिए रिजवान को ही रखवाना। अरे आप लोग तो ऐसी बात कर रहे हो, अरे हम गोबर उठाएं या कुछ भी करें, हम ले जा रहे सब कर लेंगे, हम तो एक नंबर के आदमी है, हम तो सब कर लेंगे, हमारे देश में भी गोबर उठाने में शर्म नहीं आती हमको। अरे बाबर भाई और रिजवान भाई चुप रहो यार, आप दोनों के चक्कर में मेरी बेइज्जती हुई जा रही है, कहाँ फंस गया आपके साथ में मैं, ज्यादा करोगे तो हट जाऊंगा मैं देश के धंधे से। अरे लड़ो तुम तो लड़ो, अफरीदी लगा इनको यार कर दोनों को, बिल्कुल लगा 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 लगा, दे 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 दे। अरे लड़ना बंद करो, चैनल बहुत अच्छा है, सब्सक्राइब करो यार, वीडियो देखते हो तो, चलो चलो फटाफट सब्सक्राइब कर लो।